वेलकम टू टीएचके टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने अभी तक अपना या अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। चलो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने फिर से नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके स्टेट आ जाएंगे, तो आप अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पेज में आपका स्टेट नहीं आता है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे 1, 2, 3, यहाँ से पेज को आप बारी बारी चेक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका पेज लोडिंग होगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। पेज को लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर पंजीकरण खोजें, आमजन आवेदन प्रपत्र भरें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने आमजन आवेदन प्रपत्र भरें, तो आपको यहाँ पर आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आपको दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक यहाँ पर पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे स्लॉट करना है। चलो मैं नीचे स्लॉट कर लेता हूँ। स्लॉट करने के बाद आपके यहाँ पे मिलेगा आवेदन, तो यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज लोडिंग होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोड डालें, तो आपको जो भी यहाँ पे कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। चलो मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रवेश करें वापस जाएं, तो आपको प्रवेश करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म फिल हो जाएगा जन्म रिपोर्ट का, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। चलो मैं फॉर्म को फिल करके आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको पहले यहाँ पर मिलेगा नए आवेदन हेतु, तो आपको इस पर टिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा विवरण सूची, तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा जन्म दिनांक, आपका या आपके बच्चे का जन्म कब हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर की मदद से आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा जेंडर या लिंग, तो आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जन आधार एलुमन संख्या यहाँ पर फिल करनी है, शिशु का नाम हिंदी में यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अंग्रेजी में फिल करना है, आपको नाम सही सही प्रकार से यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा शिशु के पिता का नाम हिंदी में, तो आपको यहाँ पर शिशु के पिता का नाम हिंदी में डालना है, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में डालना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा आधार पिता का आधार, तो जो भी पिता का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर शिशु की माता का नाम फिल करना है यहाँ पर हिंदी में, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल करना है। उसके बाद माता का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, और घटना का स्थान जन्म कहाँ पर हुआ है, गांव में या शहर में, आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है, पंचायत समिति सेलेक्ट करनी है, पंचायत रजिस्ट्रार चुने, यहाँ पे आपको पंचायत रजिस्ट्रार चुनना है। उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है, माता का स्थायी पता यहाँ पे हिंदी में डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, आपको सही सही प्रकार से यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्या यही जन्म के स्थान पिता का पता है, हाँ या नहीं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो हाँ पे कर दें, नहीं है तो नहीं पे कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चे के जन्म के समय पिता का सही पता, यहाँ पे आपको फिल करना है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में फिल करना है। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जन्म स्थान, संस्थान में हुआ है या गैर संस्थान में हुआ है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आवेदक का नाम, और यहाँ पे आपको सूचना देने वाले का आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, आवेदक का पता फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सूचना का दिनांक सेलेक्ट करना है, टिक टी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे और एक पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पे मिलेगा सांख्यिकी सूचना। उसके बाद आपको 10 नंबर मिल जाएगा माता के निवास के नगर या गांव का नाम, यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर माता गांव से हैं तो आप गांव पर क्लिक कर दें, अगर शहर से हैं तो नगर पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा राज्य जो कि आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको जिले का नाम मिल जाएगा,
और यहाँ पे आपको मिल जाएगा परिवार का धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पिता का शैक्षिक स्तर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और माता का शैक्षिक स्तर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पिता का व्यवहारिक सेलेक्ट करना है, माता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है, जो भी माता पिता करते होंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा विवाह के समय माता पिता की आयु, तो आपको यहाँ पे आयु सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे 17वें नंबर पे आपको मिलेगा शिशु के जन्म के समय माता की आयु, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। और 18वें नंबर पे मिलेगा इस शिशु के सम्मिलित करते हुए माता पिता की जीवन जन्मों शिशु की संख्या, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 19वें नंबर पे मिलेगा आपको प्रवस के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली पर्चियाँ, तो आपको यहाँ पे संस्थान सरकारी कहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा प्रवस पद्धति, तो अब किस प्रकार से बच्चा पैदा हुआ है, प्रकृति हुआ है या फिर ऑपरेशन से हुआ है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे का वजन यहाँ पे किलोग्राम में फिल करना है, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं किस में आपको वजन फिल करना है। उसके बाद आपको मिलेगा गर्भावस्था की अवस्था, कितने सप्ताह में हुआ है, तो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्लॉट करना है, नीचे स्लॉट करने के बाद आपके सामने कोड डालें, ये आपको कोड यहाँ पे फिल करना है। चलो मैं यहाँ पे कोड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एग्रेज करें, तो आप जैसे ही एग्रेज करेंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, तो इस रेफरेंस नंबर आपको संभाल कर रखना है। तो आप इसी प्रकार अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।